गुड मॉर्निंग। मैंने आज आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा मेरा लेवल्स 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 और जो बाइसेल लेवल्स और चार्ट का सेटअप्स का जो जो है वो कैसे परफॉर्म करता है होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं दिखाऊंगा उसके और निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा मेनली और देखते हैं पसंद फ्यूचर और आर्बिट्रेज भी बहुत सारा लोग पसंद करते हैं उन लोग का भी दिखाने का कोशिश करूंगा तो देखना पड़ेगा। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है थोड़ा सा है वो चल रहा है चलिए ये शुरू करता है। मैंने आज बाइसेल लेवल को अपडेट कर लिया और जिस लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है उन लोग का अगला दिन का फाइल भी मिल चुका होगा तो उन लोग को आज का मार्केट ओपन होने के बाद कैसे मिला है वो आप लोग को देखना वो देख सकता है तो वो बाद में कोशिश करूँगा। फिलहाल मैंने इसको देख लेता है। मैंने दोस्तों निफ्टी का और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और ऑप्शन ही दिखाता हूँ आप लोग को तो इसमें देखिए जो लेवल्स दिखा रहा है मैंने फ्यूचर्स का दिखाता हूँ और ऑप्शन प्राइस का दिखाता हूँ। ऑप्शन प्राइस आप लोग देख सकते हैं इधर से 20,100 का कॉल 455 चल रहा है बैंक निफ्टी और 20,500 का पुट चल रहा है 655 20,900 निफ्टी 9,300 सी 157 और 9,400 सी 161 ठीक है। तो मैंने पहले भी फ्यूचर्स का लेवल आप लोग को बताऊंगा। फ्यूचर्स का जो लेवल्स आप लोग को सामने देना चाहता हूं तो वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स ठीक है। अब लोग फ्यूचर्स ही नोट करिए तो इंडेक्स का अभी नहीं बताता हूँ। इंडेक्स का भी आप लोग नोट कर सकता है तो अभी जो चल रहा है तो 20,100 बैंक निफ्टी 20,186 के ऊपर बाई होगा ठीक है। टारगेट है 20,270 356 354 होप आप लोग नोट करके रखेंगे। और निफ्टी का जो चल रहा है 9,348 के ऊपर तो चल रहा है मतलब 9,341 चल रहा है लेकिन मेरे को सेकंड लेवल देखना पड़ेगा 38 उसके बाद 9,359 के ऊपर ये बाई होगा 9,380 9,402 ऐसे करके आप लोग ये सब लेवल्स आप लोग नोट करते रहिए। और उसके बाद मैंने फर्स्ट टारगेट का आने के बाद फिर से कैलकुलेट करूँगा और सेल का लेवल नोट कीजिए 19,934 के नीचे सेल होगा और 9,295 के नीचे सेल होगा ठीक है। आप लोग इसको भी नोट कर सकता है जो चाहेंगे आप लोग निफ्टी का इंडेक्स का भी नोट कर सकता है ये दोनों निफ्टी इंडेक्स का है तो इसका 850 नेक्स्ट टारगेट होगा 19,850 9,273 ठीक है। और जो लोग पेयर ट्रेडिंग या आर्बिट्रेज करना चाहता है तो उस लोग के लिए सन पेयर ट्रेडिंग के लिए देखिए पेयर ट्रेडिंग में देखिए 95% के ऊपर जो चल रहा है उसको दिखाना चाहता हूँ
95% के ऊपर जो चलता है उसको देखा था, एटलीस्ट 90% के ऊपर। तो इसमें आप लोग देख सकता है HDFC बैंक और HDFC का अंदर, ठीक है। HDFC को आप लोग HDFC को आप लोग सेल कर सकता है, सॉरी मैंने गलत बोला, HDFC को बाई कर सकता है और HDFC बैंक को सेल कर सकता है। तो इसमें मैंने लगा लेता हूँ HDFC और HDFC बैंक, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो HDFC को सेल कर सकता है और HDFC बैंक को बाई कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार फिर। हाँ, बाई फर्स्ट HDFC बैंक को बाई कीजिए, HDFC बैंक को बाई करना है और HDFC बैंक को सेल करना है। 944.60 में आप लोग HDFC को बाई कीजिए, HDFC को सेल कीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड 10 पॉइंट करके स्टॉप लॉस रखिए। तो इसमें हो गया है पेयर ट्रेडिंग। और फ्यूचर्स का जो आर्बिट्रेज वाला जो है उसको देखना पड़ेगा, जो लोग आर्बिट्रेज करना चाहता है। आर्बिट्रेज का कौन सा के ऊपर जा रहा है, इसमें कमिंस में 1.76 आ रहा है। कमिंस में मेरे को ज़्यादा दिख रहा है वो कॉल का, एक्चुअली ये कॉल का अपडेट था, आज का अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो अभी देखता है कमिंस का फ्यूचर और कैश क्या चल रहा है। कमिंस फ्यूचर, ठीक है, तो 361 और 362, ठीक है ना। तो कैश को, कैश में बाई करना है और फ्यूचर को सेल करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब भी देखना पड़ेगा। और अभी तो ज़्यादा था, उस दिन ज़्यादा टाइम दिख रहा था, एक बार इधर से मनी कंट्रोल से एक बार देख ले सकता है। साइट कहाँ मिला?
रहता था। यानी आर्बिटर्स आप लोग को उधर से ही दिखाता हूँ, जो ये आप लोग कमेंट्स को बाई कीजिए, फ्यूचर्स कमेंट्स का इंडियस का। देखिए आप लोग इधर 944 में HDFC बैंक को बाई किया है और HDFC को 1646 में सेल किया है दोस्तों। ठीक है, आप लोग नज़र रखिए, उसके बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है। और इधर कुछ हो रहा है क्या, तो है निफ्टी बैंक, निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स 20054 चल रहा है, 900 इसमें सेल का साइड आया क्या नहीं है, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। मेरा वीडियो क्लोज हो जाएगा तब भी आप लोग को लेवल तो मिल जाएगा, हो सकता है लॉन्ग टाइम में मेरा वीडियो नहीं चले, लेकिन आप लोग को लेवल्स मिल जाएगा, उसके बाद ऊपर आप लोग जांच कर सकता है। और आप लोग इसका ट्रेनिंग, मैंने जो ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा है वो जरूर ले लीजिए, और जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है उसमें आप लोग को कॉल सर्विस के लिए ऑप्ट कर सकता है। और वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक जरूर कीजिए। अच्छा, ये 9934 के नीचे सेल होगा, 9295 के नीचे भाई, सॉरी ये फ्यूचर 9295 के नीचे देर होगा शायद, देखते हैं ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अभी तक देखना पड़ेगा। एक ब्रेकआउट जरूर आएगा, ठीक है आप लोग को बोल देता हूँ, क्योंकि इसका जो ATR का जो लेवल्स है वो ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा है इससे, तो इसमें आप लोग को एक ब्रेकआउट आने का अपॉर्चुनिटी आएगा, आइदर साइड में अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट का आएगा, हो सकता है नीचे ही आएगा, देखना पड़ेगा।
नमस्कार दोस्तों, आप लोग वॉच करते रहिए। तो मैंने तो लेवल्स बता दिया और आप लोग ऑप्शन का भी, वो जो जिस टाइम फ्यूचर्स का बाई या सेल लेवल आएगा तो ऑप्शन का भी आप लोग कॉल और पुट बाई कर सकता है। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन है और ये आएगा। तो मैंने थोड़ा सा आप लोग से ये इजाज़त चाहता हूँ, देखते हैं और मैं भी देखता हूँ।
হ্যাঁ
दोस्तों आप लोग देख सकता है मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, तो अभी तो कुछ करना नहीं है हम लोग को, देखना है। थोड़ा सा नीचे आ रहा था लेकिन सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। सही तो अभी भी ऊपर में है, 60 का ऊपर अब में है और बैंक निफ्टी का 60 का ऊपर है। एक ब्रेकआउट आ सकता है, आने वाला है इसका देखना पड़ेगा। सेशन कैसे खत्म हुआ था, तो 2 घंटा बाद मतलब 11:15 में थोड़ा सा अप साइड में गया था। और ये 4 3 घंटा ऑलरेडी हो चुका है ऑलरेडी, और भी 1 घंटा लग सकता है, और भी देखते हैं। नेक्स्ट घंटा और भी 1/2 घंटा 40 मिनट बैंक निफ्टी का है, अड्डा का 1 घंटा, और दोनों एक साथ ही आएगा लगता है। ये सॉरी मैंने फ्यूचर 1 घंटा, ये घंटा ऑलमोस्ट 1 घंटा का आसपास लगेगा, देखना पड़ेगा। 9,259 के ऊपर निफ्टी, सॉरी 9,359, और बैंक निफ्टी 9,186 के ऊपर, 180 186। आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कौन सा लेवल दिया है, उसके बाद कौन सा लेवल आया है, देख लग सकते हैं सकते हैं। बीस हजार 186, 9,359, 270, 9,380, 20,354, इसका 55 दिख रहा है, 200 234,
कैसा चल रहा है? इसमें जो डेली वोलाटिलिटी है, इसका डेली वोलाटिलिटी 1.8 3.36 चल रहा है, तो अगर ठीक ठाक है तो भी ठीक है। तो एक दिन में ये मूवमेंट हो सकता है, कितना हो सकता है वो भी आप लोग को, ये 171 पॉइंट बैंक निफ्टी 171 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है और बैंक निफ्टी 677 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है। ऐसे नहीं है कि पूरा मूवमेंट होगा, लेकिन इतना के अंदर हो सकता है। तो ऑलरेडी कितना हो चुका है हम लोग देख लेता है। ऑलरेडी 200 200 400 बैंक निफ्टी 400 पॉइंट मूवमेंट हुआ है, अभी 200 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है। और ये 273 273 मतलब 150 पॉइंट ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। মনে হয় 22 একটা যাবে, একটা ব্রেকআউট আসবে। কি মুশকিল, আমার তো আমি তো লেভেল বলে দিয়েছি না। হ্যাঁ, 22 হেডেই যাওয়া উচিত, এখন আমি তো লেভেল বলে দিয়েছি না। বাইশে তো আছে, কত দেখাচ্ছে কত একটা চৌষট্টি দেখাচ্ছিল।
थोड़ा ज़्यादा ठीक है ऊपर ही है একটু কম থাকাই ভালো, ভরাটাই ভালো, একটু কম থাকাই ভালো। মানে ওখানে 40-45 টাকা অপশন ये 60° एनालिसिस क्या बता रहा है। ये 20,339 भी जा सकता है, 9,345 के ऊपर 9,460 भी जा सकता है। 339
हज़ार नौ सौ सात सौ एक 944 है, 974 के नीचे 721 भी आ सकता है, और 9295 के नीचे 9138। देखते हैं क्या होता है। सुविधा होता है, जल्दी लेवल आ जाता है, सुविधा होता है जल्दी लेवल आ जाता है। अभी बोलिए, सुबह सुबह एक सुविधा होता है जल्दी लेवल आ जाता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने चार्ट बाइसल मेडल्स वीडियो को लगा के रखी है। देखिए दोस्तों, जो पेयर ट्रेडिंग जो मैंने जो बता रहा था, HDFC बैंक को बाई किया था तो उसमें एक पॉइंट लॉस है, और HDFC में अब लोगों का 7 पॉइंट का प्रॉफिट है, वो सेल किया है तो दोनों में 6 पॉइंट प्रॉफिट हुआ है। ওটা তো মানে ভয়েসের থেকে লোকের সামনে
মানে ভিজুয়াল এফেক্টটা আরো বেটার আছে না? ও আচ্ছা আচ্ছা, সেটাও করা যেতে পারে। লাইট লাইট স্ক্রিন, হ্যাঁ লাইট স্ক্রিন করা যেতে পারে। ঠিক বলেছো, সেটা ঠিক বলেছো। আমি একটা একটু ভালো একটা টি শার্ট পরে নিই। হ্যাঁ টি শার্ট পরে নিই, লাইটার বলছেন না ফিউচার প্রাইস বলছেন? হ্যাঁ 150। কেন কেন বিদ্যান্ডি বলা যায় না কি? আপনি অনেক অফিসে দেখছি দেখে যে আপনার আপনার দেখছি আপনি তাহলে জন্য কি হয়? Yeah.